नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बढ़ते प्रदूषण और खराब होती एयर क्वालिटी ने यमुनानगर समेत हरियाणा के कई जिलों को घेर लिया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि विजिबिलिटी भी कम हो रही है। बदलते मौसम और इंडस्ट्रियल प्रदूषण की दोहरी मार से आम जन जीवन पर असर पड़ रहा है। यमुनानगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200-300 के बीच है, जबकि दिल्ली में ये आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया है। पॉल्यूशन विभाग ने मौसम और इंडस्ट्रियल प्रदूषण को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। पॉल्यूशन विभाग के आरओ वीरेंद्र पुनिया का कहना है कि बदलते मौसम के साथ साथ इंडस्ट्रियल प्रदूषण भी इसका बड़ा कारण है। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जोली की रिपोर्ट। जो है रॉ मटेरियल की वो इलीगल तरीके से की है। अच्छा जी, तो मिल जाएंगे लोकेशन वगैरह क्या है क्या नहीं? 10-11 यमुनानगर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, उसका क्या रीजन मानते हैं और क्या फिलहाल ताजा स्थिति है? देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है अभी हमारा 200 के अंडर में था कल तक, बट आज 261 हो गया है। तो ये मौसम ही कुछ ऐसा है कि जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ पे भी एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी पुअर स्थिति में चला गया। जैसे कुरुक्षेत्र 289 है, अम्बाला 200 के अप्रोक्स है, करनाल 289, पानीपत 295 और दिल्ली में तो 400 प्लस चला गया है। उस हिसाब से यमुनानगर की स्थिति काफ़ी बेहतर है। तो बढ़ता क्यों है, उसका वजह क्या है सर? वजह कुछ मौसम ही है, मौसम में ट्रैप हो जाते हैं जो ये पार्टिकल्स हैं, ये ट्रैप हो जाते हैं, ऊपर नहीं जा पाते हैं, हवा भी नहीं चल रही है प्रॉपर अभी। तो पोल्यूशन भी वजह मान जाते हैं, जैसे इंडस्ट्री अपने पास यमुनानगर में है उसकी वजह से भी मान सकते हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा है? देखिए, यमुनानगर में जो इंडस्ट्रीज़ हैं सभी ने अपने एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगा रखी हैं। इनकेस कोई वायलेशन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंट एक्शन भी लेता है। हाँ, ये कारण भी है। देखो, किसी इंडस्ट्री को हम पोल्यूशन करने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन दायरे में सीमित रहे वो काम हमारा है, वो हम करते हैं। सर, ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल जीरो पोल्यूशन पर चलेगी इंडस्ट्री। सर, कई जिले में औद्योगिक इकाइयां हैं जो कि प्रदूषण बड़ी मात्रा में करती हैं, तो ऐसी इकाइयों को मॉनिटर भी किया जा रहा है प्रदूषण विभाग की तरफ से? बिल्कुल किया जा रहा है जी। तो इनके लिए क्या नियम बनाए गए हैं अगर ऐसी किसी भी इकाई के लिए शिकायत आती है? उसकी सैंपलिंग की जाती है बकायदा, और इनकेस अगर एक्सीड करते पाया जाता है तो उसको बंद भी किया जाता है। जिस तरीके से पूरे हरियाणा राज्य में सर प्रदूषण की स्थिति बेहद बेहद बदतर होती जा रही है, आप जो है जिले में क्या प्रयास कर रहे हैं इसे कम करने के लिए? देखिए, जो कुछ हमने वल्नरेबल पॉइंट्स सर्च किए हुए हैं, आइडेंटिफाई किए हुए हैं, उस पर हम समय समय पर छिड़काव भी करवाते हैं ताकि धूल मिट्टी और इस तरह की चीज़ें ना उड़ें और इफेक्ट ना करें लोगों। सर, पिछले दिनों फायर ब्रिगेड की मदद से भी पोल्यूशन विभाग ने पेड़ों पे पानी का छिड़काव करवाया था जिससे जो पोल्यूशन है वो कम हो, और आगे भी क्या ऐसी प्रयास? तो लगातार चल रहा है, वो डेली होता है। कौन सी? ये पूरे यमुनानगर में जहाँ पे भी हॉटस्पॉट हमने बना रखे हैं, जैसे मेन चौराहे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, यहाँ पे मंडी है, साथ में मंडी के भी आसपास करते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।